हेलो, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी कम है। इस पर हमें क्ले वर्क करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए 5 चम्मच वॉल पुट्टी, जिसमें हम 2 चम्मच फेविकोल के ऐड करेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करके इसकी एक पेस्ट बनानी है। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, अगर एक साथ डाल दिया तो मिक्सचर पतला हो जाएगा। पेस्ट की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कार्डबोर्ड पर अच्छे से स्प्रेड हो सके। और हाँ, जब ये आप पेस्ट बनाओगे तो इसमें कोई भी दाने नहीं होने चाहिए, तो वॉल पुट्टी को छान कर लेना। एक छोटे कार्डबोर्ड पीस की हेल्प से मैंने वॉल पुट्टी को पूरे कार्डबोर्ड पर लगाया है। जब एक साइड सूख जाएगी तो कार्डबोर्ड की दूसरी साइड पर भी हमें ये वाली पेस्ट लगानी है। और जो कार्डबोर्ड की एजेस थी उस पर भी मैंने वॉल पुट्टी लगाई है। डिज़ाइन पहले मैंने पेपर पर बनाई थी और बाद में उसे मैंने ट्रेस किया है। बस अब हमें क्ले की कॉइल्स बनाकर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड पर चिपकाते जाना है। क्ले चिपकाने के लिए मैं यहाँ फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये क्ले वर्क कार्डबोर्ड पर भी हो सकता था, लेकिन बाद में मॉइस्चर आने के कारण कार्डबोर्ड बेंड हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस पर मेहनत करूँ और ये बाद में जाके ख़राब हो। तो वॉल पुट्टी लगाने से इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हैंड्स पे क्ले वर्क करते करते लाइट्स चली गई थी, तो मैंने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आधा पार्ट साथ में कंप्लीट करते हैं। डिज़ाइन मैंने सिंपल ही रखी है, आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। गूगल पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्ले के छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं और उसे चिपकाते टाइम थोड़ा सा प्रेस किया है। अगर आपको ये वाली डिज़ाइन ही बनानी है जो मैंने बनाई है, तो आप वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप बनाकर उसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। तो जो हाफ पार्ट था उसे मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। अब एक कॉइल सर्कल में लगाकर उसके ऊपर बचा हुआ आधा पार्ट चिपकाएंगे। क्ले ड्राई होने के बाद इसे पेंट करेंगे। मैंने यहाँ ब्लैक कलर से पेंट किया है, इस बार मुझे ये कलरफुल नहीं बनाना है। तो पूरा ब्लैक कलर पेंट करने के बाद मैंने हैंड्स को स्किन कलर में पेंट किया है, और जो हैंड्स की क्ले की आउटलाइन थी उसे मैंने स्किन कलर के ही डार्कर शेड से पेंट किया है। एक स्पंज की हेल्प से मैंने गोल्डन कलर से पूरे डिज़ाइन को हाईलाइट किया है। आखिर में जब कलर्स ड्राई हो जाएंगे तो इस पर हमें वार्निश लगानी है। तो ये कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ओके, बाय।